हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि ये जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में आता है और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है इंडियन रेलवे के लिए। और इस जगह पर जो ब्रिज बनाया है वो जो कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन, और एफकॉन के द्वारा यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाया है यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। और जब आप इसको पास से देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कमाल का काम किया है इस जगह पर एफकॉन और उनकी टीम ने। ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो जगह है इसको बोलते हैं कोरी, और राइट हैंड साइड में ये है बक्कल, और इन दोनों जगहों को ये जोड़ता है। इसके नीचे है रिवर, जिस रिवर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है, चेनाब रिवर है ये, और इसी वजह से इस ब्रिज को कहते हैं चेनाब ब्रिज, लेकिन यहां के लोकल लोग इसे कहते हैं कोरी पुल। यकीन मानिए भारत के इंजीनियर्स ने मिलकर यहां पर बहुत ही कमाल का काम किया है। और आपको यह जानकर भी गर्व होगा कि ये जो ब्रिज बनाया है ये पूरी तरीके से भारतीयों ने बनाया है। इस ब्रिज पे आपको किसी और देश का इंजीनियर देखने को नहीं मिलेगा। अपने देश में पहली बार ऐसा ब्रिज बनाया गया है, तो सच में ये किसी सपने को साकार होने जैसा ही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो फाउंडेशन तैयार किया गया इस ब्रिज को बनाने के लिए, ये फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना उसके आधे हिस्से बराबर का तो इसका फाउंडेशन है, और 100 साल की गारंटी दी है एफकॉन ने कि इसका फाउंडेशन अपनी जगह से खिसकेगा भी नहीं। अब आप पूछोगे भाई फाउंडेशन कैसे खिसक सकता है, मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर ये ब्रिज बनाया गया है ये भूकंप सेंसिटिव एरिया है, और इस जगह पर 100 साल की गारंटी देना, अब सोचिए अपने देश के इंजीनियर्स ने कितना बेहतरीन काम किया है। तभी तो वो गारंटी के साथ ये कह रहे हैं कि 100 साल तक भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो ब्रिज बनाया गया है दोस्तों, ये ब्रिज बनाया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ने के लिए। ये बक्कल वाला जो एरिया आप देख रहे हो या फिर आप कुसी वाला जो एरिया देख रहे हो, इस पूरे जगह पर पहुंचने के लिए आज से 10 साल पहले तक रोड भी नहीं था। या फिर आप मेरे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको एक टनल देखने को मिलेगा, वो जो टनल भी बनाया है वो बनाया है इंडियन रेलवे ने, ताकि यहां तक कंपनियां पहुंच सके इस काम को करने के लिए। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस ब्रिज का, इसे डिजाइन भी किया है एफकॉन ने, इसे बनाया भी है एफकॉन ने, यानी कि इस ब्रिज को बनाया है भारत के इंजीनियर्स ने, बनाया गया है इंडियन रेलवे के लिए यानी कि आम लोगों के लिए, और इसे बनवाया है भारत सरकार ने। और यकीन मानिए जब आप इस ब्रिज के पास आते हैं या जब आप इस ब्रिज को देखते हैं तो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि भारत सरकार और भारत के इंजीनियर्स ने क्या कमाल का यहां पर काम किया है। आपको बताऊं तो ये आईफिल टावर जो है उससे भी ऊंचा है। आईफिल टावर जिस जगह पे बनाया गया है उस जगह को अगर आप देखोगे और जिस जगह पर ये बनाया गया है, तो मैं तो कहता हूं कि आईफिल टावर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा टफ है ये बनाना। क्योंकि अगर आईफिल टावर जब भी बना होगा उसे भी बनाने में इंजीनियर्स को टाइम लगा होगा, लेकिन ये ऐसी जगह पर जहां पर ना आज तक रोड आया है और वहां पर आपने रेलवे ले आए और उसके बाद आपने ऐसा ब्रिज बना दिया जिसका फाउंडेशन इतना बड़ा है, कमाल का दृश्य है इस जगह से सच में। वैसे बारिश हो रही है और बारिश के वक्त में अगर आप देखोगे ना तो ये ब्रिज और भी अच्छा लग रहा है देखने में। पहाड़ों के ऊपर देखोगे तो पूरी तरह से आपको बादल नजर आएंगे, और अगर बादल यहां पर नहीं होता तो आपको यहां से आइस भी बहुत अच्छे से दिख जाता। हाँ, जो पहाड़ है इसके पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर आपको बर्फ की चोटियां भी नजर आ जाती। लेकिन आप कभी भी जम्मू आए या आप कभी भी कटरा आए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो इस ब्रिज को देखने जरूर आइएगा, आपको सच में भारतीय होने पे गर्व महसूस कराता है ये। और इस वक्त में भी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सोचकर कि वाकई में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। वैसे बारिश हो रही थी जब मैं आया था तो, लेकिन
अच्छी बात यह है कि इस वक्त बारिश बंद हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको बादल से नजर आएंगे इन पहाड़ों के ऊपर, जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आते जाते रहते हैं। लेकिन इस जगह पर बड़ा ही कमाल का नज़ारा है। नीचे देखोगे तो चेनाब रिवर में भी यहाँ पर अच्छा खासा पानी आपको देखने को मिलेगा, और पानी इस वक्त पर गंदा इसलिए आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश हो रहा है। जरा आप कल्पना कीजिए, जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो क्या नज़ारा होगा, और यकीन मानिए आपको भी ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा अगर आप ट्रेन के जरिए इधर से आगे जाते हैं तो, क्योंकि दोनों तरफ आपको पहाड़ें नजर आएंगी और नीचे आपको चेनाब रिवर नजर आएगा, और नज़ारे की गारंटी आपको इंडियन रेलवे देगा, क्योंकि वाकई में इस जगह पर नज़ारा तो कमाल का होने वाला है जब आप इस जगह पर ट्रेन सर्विस को इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। वाओ, उस दृश्य को भी मैं कैप्चर करना चाहूंगा जब यहां से ना इंडियन रेलवे की ट्रेन दौड़ेगी, क्योंकि उस वक्त पे नजारा इससे भी ज्यादा कमाल का होगा। ऐसी जगह पर काम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि मैदानी इलाके में काम करना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू पहाड़ी इलाके में, मानते हो ना, इंजीनियरिंग मार्बल है ये। ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर, इसका जो सबसे हाईएस्ट पिलर है स्टील का वो है 134 मीटर, और ये जो आर्च देख रहे हो ये वाला, ये है 485 मीटर लंबा, कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है ये, जो रिवर देख रहे हो नदी से 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया ये ब्रिज है भाई, है ना कमाल का ये नजारा। इस जगह पर आना बनता है और बार बार आना बनता है, क्योंकि जितना देखो ना उतना कम है। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ब्रिज को बनाने के लिए भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भारत के इंजीनियर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे इस जगह पर सुरक्षा प्रदान करी ताकि इस नामुमकिन को मुमकिन किया जा सके और इस जगह पर ब्रिज बनाया जा सके। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारे अपने देश के इंजीनियर्स ने इतना बड़ा कमाल का काम किया है तो इस काम को दुनिया के हर कोने में पहुंचाना तो बनता ही है। इसी नोट के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो एफकॉन की टीम तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, कमाल का नजारा। उससे भी कमाल यह है कि ठंड लग रही है मुझे। चलो आज का वीडियो इसी पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।